पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। मोबाइल पिता ने ना देने के कारण बेटे ने लगाई फांसी। चंद्रपुर में मंत्री मुनगंटीवार के प्रयासों से मिली सफलता। ऐतिहासिक मराठा आरक्षण विधेयक अधिवेशन से अनुमोदित किया गया। नकली पिस्तौल मामला, एरवड़ा जेल में संतोष पाल। थलाइवा सुपरस्टार रजनीकांत की एंट्री में डांस करने के लिए लगे लगभग 3 मिनट। अब खबरें विस्तार से। यवतमाल क्षेत्र केलापुर इलाके में शुक्रवार को यह वारदात दर्शाई जाती है। 14 साल के बच्चे ने मोबाइल ना देने के कारण फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि वह 9वीं क्लास का छात्र था। पिता से मोबाइल मांग करने के कारण पिता ने मना कर दिया था, जिसके कारण छात्र ने फांसी लगा दी। चंद्रपुर में मंत्री मुनगंटीवार के प्रयासों से मिली सफलता। जिला समिति उद्योग विभाग के मंजूरी दी है। MIDC में एक उच्च स्तरीय समिति स्थापन करने के लिए इसके लिए जिला अभिभावक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के प्रयासों से मिली सफलता। सातारा में मराठा आरक्षण विधेयक आज अधिवेशन एकात्मक से मंजूरी को किया गया था, जिसमें मराठा के कई सालों की मांग भर दी गई है। मिली 16% अरबों युवा और वृद्ध जो सड़कों पर जुलूस में जमकर भाग लिया था। लाखों लोगों के आरक्षण मोर्चे से समाज पार्टियों ने दिया बलिदान। कोल्हापुर महाराष्ट्र नकली पिस्तौल वीडियो सोशल मीडिया में फैल गया था। उसी दौरान काफी दशक मच गया था। आरोपी संतोष ने वीडियो वायरल कर जेल में आतंक मचा था। बताया जा रहा है कि संतोष को एरवड़ा जेल में भेजा गया है। थलाइवा सुपरस्टार रजनीकांत और बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार की बहू 2.0 दर्शकों के साथ प्रस्तुत की है। सोशल मीडिया में जमकर 2.0 छाया नजर आ रहा है। रजनीकांत की फिल्म प्रशंसकों को काफी लुभाता नजर आ रहा है। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।